ओके दोस्तों, आप सभी का फिर से जॉय शेविंग चैनल पे स्वागत है। और आज हम रिव्यू करेंगे कुछ नए प्रोडक्ट्स। ये रोमर 7 वाइस रॉय प्रीमियम रेजर है और इसके अंदर मैंने, आप देख सकते हैं, एक नई ब्लेड जिलेट विनर मैंने इंसर्ट की हुई है। मैं इसका पैक भी आपको दिखा देता हूँ। ये नया लॉन्च आया है जिलेट की तरफ से, जो सिर्फ अभी कुछ ही दिनों से मार्केट में अवेलेबल है, लकीली मुझे मिल गया। इसका प्राइस है ₹26 फॉर 11 ब्लेड्स। इसके साथ ही आज हम एक ऐसे तरीके से बोल्ड लॉन्चिंग करेंगे। जॉनी बॉय हमारे एक सब्सक्राइबर है, जिन्होंने हमको ये बोला था कि वो गोदरेज का लाइम फ्रेश शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, उसके साथ में वो यूज़ करते हैं जिलेट का ये वाला ब्रश, नायलॉन वाला। तो उनका लादर थिन होता है, तो आज हम वही प्रोसेस करके देखेंगे। और इन एडिशन टू दैट, शेव हम कंक्लूड करेंगे लिलियम आफ्टर शेव जेल से। ये अभी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, आप कर सकते हैं, शायद ₹177 में डिलीवर हुआ मुझे। इसका प्राइस वैसे 125 है, ₹52 डिलीवरी चार्जेस है। सो अब शेव की शुरुआत करते हैं। मैं बोल लर्निंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस ब्रश को निकाल लेता हूँ। टाइप का ब्रश है, फ्लॉपी है काफी, नायलॉन ब्रिसल से, और आपको लगेगा कि ये बहुत हार्ड है यहाँ से, लेकिन आपको पता चले, मैं बता दूंगा आपको कि किस प्रकार से आप इससे भी शेविंग कर सकते हैं। मैं अपना रेड वाला बोल यूज करूंगा। सो इसको कोई सोक करने की या ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पानी में डुबाइए और यूज कर सकते हैं आप। थोड़ा सा शेविंग क्रीम बोल में ले लेता हूँ। ये देखिए, लगभग इतना लिया है, आमंड साइज, बादाम के साइज जितना शेविंग क्रीम। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ट्राई करता हूँ बोल्ड लादर क्रिएट करना। ये देखिए, तो वैसे मैंने फेस वॉश किया ही था शेविंग स्टार्ट करने से पहले। अब ये बिल्कुल भी, इसके ब्रिसल्स अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको हार्ड लगेंगे, तो अगर आप बोल लादरिंग कर रहे हैं तो आप बोल लादरिंग कीजिए और फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करके यूं कीजिए, तो फिर इसके ब्रिसल्स आपको नहीं चुभेंगे। इसमें लादर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये ब्रश थोड़ा सा फ्लॉपी है, इसमें डेंसिटी नहीं ज़्यादा है, इसके नॉट में थोड़ा सा ढीला ही है। अगर आप प्रेफर करते हैं फेस लादर करना, तो उसके लिए एक टिप ये है कि आप शेविंग क्रीम यहाँ लगा के यहाँ से शुरुआत कीजिए और फिर लादर को धीरे धीरे आराम से आप चलाइए। इसका एक ब्रिसल निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको शेविंग क्रीम थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लेके उसको इस तरीके से थोड़ा पतला कर सकते हैं। अगर आपको
गाढ़ा ही रखना है तो आप गाढ़ी रख के भी शेविंग कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है तो ये ब्रश आपका काम कर देगा, इसे आप लाकर बना सकते हो। तो देखिए इसको मैं आपको बोल में रख देता हूँ, पसीना पोंछ लेता हूँ, बहुत गर्मी है आज। ये शेविंग क्रीम का एरोमा बहुत माइल्ड है लेकिन अच्छा है। तो अब देखते हैं रोमर 7 की वाइस रॉय प्रीमियम और जिलेट विनर ब्लेड फर्स्ट पास विद द ग्रेन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इरिटेशन नहीं। ब्लेड भी बहुत अच्छे से काम कर रही है और रेजर भी माइल्ड रेजर है, किसी नौ सीखी के लिए जो नए सिरे से वेट शेविंग चालू कर रहे हैं उनके लिए रेजर बहुत ही अच्छा है ऐसा मुझे लगता है। कोई ड्रैग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लेड भी एकदम शार्प है, आसानी से दाढ़ी हो रही है। इसमें कोई बाल फंसने की समस्या भी नहीं है, आराम से निकल जाता है। चीन एरिया में भी बिना प्रॉब्लम से आसानी से शेविंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। इस शेविंग क्रीम की स्लिकनेस काफी अच्छी है। और अब हम अक्रॉस द ग्रोथ करेंगे, अक्रॉस द ग्रोथ शेविंग करेंगे और वापस से मैं थोड़ा लादर दे देता हूँ लगाने के लिए। एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेविंग क्रीम यहाँ पे लगा के ऐसे ऐसे चालू करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा लादर बनाने में और अच्छा बनेगा भी नहीं। आप शेविंग क्रीम यहाँ पे लगा के इस तरीके से मोशंस कीजिए, फिर थोड़ा सा फैलाइए, आपका लादर अच्छा बनेगा। बहुत पसीना है आज।
सब अक्रॉस द ग्रोथ करेंगे, कान से नाक की तरफ। इस रेज़र का अमेज़ॉन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा दीजिए। अगर कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताना भूल जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना भूलूँ, लेकिन अगर कुछ भूल जाता हूँ तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देता हूँ। इस रेजर में हल्का सा ओवर हैंगे, आप देख सकते हैं हल्का सा ओवर हैंगे, तो आप थोड़ा सा संभाल के दीजिए। अब हम करेंगे अगेंस्ट द ग्रोथ, तो उसके लिए फिर से मैं वैसे एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि अगर फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा स्टबल क्लियर हो जाता है, तो सेकेंड और थर्ड पास में आपको ज़्यादा थिक लादर, मतलब वो गाढ़े लादर की ज़रूरत नहीं है, पतला लादर भी चलेगा। करते हैं, चालू करते हैं नेक एरिया से। चाहे तो आप स्किन स्ट्रेचिंग टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम स्मूथ हो गया।
देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है इसे। देखिए कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। सब दोस्तों, मैं अपना चेहरा धो लेता हूँ और फिर हम आफ्टर शेव सेक्शन यूज़ करेंगे। लिलियम का आफ्टर शेव जेल अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा लेता हूँ, लगभग इतना लिया है मैं। खुशबू इसकी ठीक ठाक है, कोई परफ्यूम जैसा कोई सेंट नहीं है इसमें। लेकिन ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, शायद दिख ना पाए, आप पॉज करके देख लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इस प्रकार से हमने आज रोमर 7 की वाइसरॉय प्रीमियम रेजर रिव्यू की, जो बहुत ही अच्छी है, माइल्ड है, हैवी है। मैं इसके वेट और डायमेंशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। हमने देखा जिलेट की विनर ब्लेड, जो भी बहुत अच्छी है, बहुत शार्प है। जिलेट विनर ब्लेड, सचिन तेंदुलकर का इस पर फोटो भी है। सचिन तेंदुलकर एक्चुअली एक विनर है, तो बिल्कुल सही फोटो, सही आइकॉन उन्होंने सिलेक्ट किया है। और हमने लादरिंग के लिए यूज़ किया गोदरेज का शेविंग क्रीम लाइम फ्रेश, और ब्रश जिलेट का फ्लॉपी वाला, जो नायलॉन ब्रिसल्स का है। इससे मैंने आपको बता दिया कि आप इससे भी कैसे अच्छा लादर बना सकते हो, और एक बोल आप इससे फेस लादर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और पुराने वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पर्ल शेविंग की ट्विस्ट टू ओपन कस्टमाइजेबल ओपन कोम रेजर का मैंने रिव्यू किया था, और उसका ऑफर भी आपको बताया था। तो लिमिटेड एडिशन है, अगर आप चाहते हैं तो आप जल्दी से ऑर्डर कीजिए। और आप चाहे तो joyshaving@gmail.com पे ईमेल कीजिए, आपकी जो भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, या आपको अगर रेजर ऑर्डर करना हो, और आप info@pearlshaving.com पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए, आपका प्रोत्साहन मुझे काफ़ी बल प्रदान करता है। तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, आप सजेशंस दीजिए, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी वो भी ज़रूर बताइए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय।